Guys, I'm back with another video. 12 gowns. Hi guys, welcome back to my channel. आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है. आज की वीडियो आप टाइटल से तो पढ़ ही चुके हो. मीशो सीरीज की एक और वीडियो आ चुकी है. बहुत सारे लोगों के कमेंट और रिक्वेस्ट थे कि उनको वीडियो चाहिए है, मीशो गाउन्स चाहिए हैं, तो गाउन्स के ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ. मैंने कहा हाँ, ये वाला टॉपिक कैसे छूट सकता है मुझसे. तो फिर मैंने जब मीशो गाउन सर्च करे ना, तो बहुत ह्यूज वैरायटी आ रही थी. जो इतने बार्बी फ्लफी वाले गाउन दिख रहे थे ना, उनकी जब मैं रियल पिक्चर्स पे आई थी वो बिल्कुल भी सेम नहीं थे. तो मैंने ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, जिसके रिव्यूज़ अच्छे थे, रेटिंग अच्छी थी, जो मुझे ट्राई करना था, और मतलब जो न्यू आर्टिकल्स थे, ट्रेंडिंग आर्टिकल्स थे, मैंने वो सारे मंगवाए हैं. ऑलमोस्ट ये 12 to 13, एक दो नहीं आए हैं, वैसे हमेशा नहीं आता, मैं वीडियो पहले बना देती हूँ. ये 12 हैं और इसमें मैं काफ़ी सारी कैटेगरी कवर करी है. इसमें ज़रूरी नहीं आपको सारे ऐसे फूले गाउन मिले, मतलब फुल लेंथ वाले जो गाउन पीसेस में होते हैं ना, काइंड ऑफ अनारकली भी आप बोल सकते हो, लेकिन अनारकली नहीं है. उसमें गाउन भी लिखा है, अनारकली भी लिखा है, तो मैंने गाउन ही मंगवाए हैं सारे. और काफ़ी कुछ बहुत लाइट वेट भी है, काफ़ी कुछ पार्टी वेयर भी है. बाकी हम अनपैक करके देखते रहेंगे कि कैसे क्या है, और मैं आपको सब चीज़ का रिव्यू देती रहूँगी. साइज़ मैंने अप रखा है, काफ़ी कुछ गाउन्स में एम से ही स्टार्टिंग थी, तो मैंने एम मंगवाया है. तो मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ एक एक गाउन के साथ. तो चलो स्टार्ट करते हैं. जो पहला गाउन मेरे हाथ में आया है रेंडमली, वो मेरा फेवरेट कलर ब्लैक कलर का आया है. इसमें 3 कलर के ऑप्शन था, आप देख सकते हो. मैंने ये गाउन मंगवाया है, 716 रुपीज़ का ये गाउन है, और मैंने एम साइज़ का मंगवाया है. काफ़ी सारे लोगों के ये भी कमेंट होते हैं कि आप ना मीशो से बहुत ही ज़्यादा सस्ता सामान मंगवाते हो, इसलिए आपको अच्छा नहीं आता सामान, तो आप मिड रेंज का, हाई रेंज का मंगवाना. तो इस वीडियो में मैंने अपनी रेंज मिड रखी है. जो मेरी नेक्स्ट वीडियो मैंने प्लान की ना गाइज, आप मानोगे नहीं, मैंने उसमें वो मंगवाया जो मीशो पे सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब 3000-4000 की रेंज के जो सामान है ना, मैंने वो मंगवाया जस्ट टू ट्राई, और आप लोग को भी बताने का कि जो मीशो पे 3000-4000 रुपये का सामान है वो कैसा आता है. तो वो तो आपको अगली वीडियो में पता चली जाएगा. तो अभी पहले इसकी बात करते हैं, इसको देखते हैं ये कैसा आया है. ये वो गाउन है गाइस, इसमें फ्रंट नेक पे पूरा वर्क हुआ हुआ है. इसकी स्लीव्स है, और स्लीव्स में भी आगे ये वाला पूरा ऐसे गोटा पट्टी वाला, मतलब लेस लगी हुई है, और ये बिल्कुल प्लेन है. आप देख सकते हो नीचे पूरा ऐसे फ्लावर वाला, पूरा फ्लावर फ्रॉक वाला पूरा ऐसे पैटर्न है. पूरा गाउन है, बहुत अच्छा लग रहा है. कपड़ा काफ़ी सही लग रहा है जो ऊपर यूज़ हुआ है, मतलब जॉर्जेट कपड़ा है. नीचे इसमें एक अस्तर भी लगा हुआ है. यस, अस्तर की क्वालिटी भी ठीक है, बहुत ज़्यादा चीप अस्तर तो नहीं लगा है, लेकिन 716 रुपए के हिसाब से मुझे ठीक भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा महंगा भी लग रहा है, क्योंकि जो पिक्चर में इस चीज़ की क्वालिटी थी ना, वो थोड़ी अलग लग रही है, और ये थोड़ा अलग लग रहा है. बाकी मैं आपको पहन के ज़्यादा अच्छे से इसके रिव्यू दे पाऊँगी, पहन के आती हूँ. गाइस ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, ये पहनने के बाद सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. एम साइज़ मुझे लूज़ है, मैंने इसको पीछे पिन से टक किया हुआ है, आप देख सकते हो. स्लीव्स भी थोड़ी लूज़ हैं, लेकिन टक करने के बाद भी मतलब जो इसका फिट आ रहा है, और जो इसका ये पूरा लुक आ रहा है ना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मतलब 700 रुपीज़ के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा ऐसे घेर मिल जाता है. ब्लैक कलर के साथ ये गोल्डन का पैटर्न इतना खिल के आ रहा है ना, मतलब मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. मतलब पहनने के बाद ना ही मुझे कहीं से चुभ रहा है, मतलब ये कपड़ा भी नहीं चुभ रहा है, परफेक्ट बिल्कुल स्टिचिंग है इसकी, और मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मेरे लिए लिटरली थम्स अप है फॉर दिस वन. मुझे पहला ये गाउन देख के काफ़ी खुशी हुई कि हाँ, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है, और पूरा आप घेर भी देख सकते हो. इसके लिए तो मेरी तरफ से डेफिनेटली यस है. अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ. जो हमारा नेक्स्ट गाउन है, ट्रियांडी गाउन, मुझे स्पेलिंग पर ऐसी आ गई थोड़ी, सॉरी. ये 563 रुपीज़ का है, एम साइज़ का मैंने मंगवाया. इसमें एक ही कलर का ऑप्शन था, मैंने एक ही मंगवाया. पिक्चर में कितना सुंदर लग रहा है ना, मैं क्या देखती हूँ, ऐसा आता भी नहीं आता. और लड़की ने चुन्नी भी हाथ में पकड़ रखी है. तो चलो इसको देखते हैं और फिर बताती हूँ कितनी कमी है. चुन्नी तो आई है, मैं
₹500 के हिसाब से गाउन देख के थोड़ी समझ नहीं आ रहा है मेरे को। लुलवा लुल हो गया ये तो मेरे साथ। इसमें ये तो नहीं लिखा था कि सेमी स्टिच है, ये क्या आया है फिर? ओ नो, मतलब मैं आपको बताऊं गाइस, ये जो इसका नीचे का स्कर्ट वाला पूरा पार्ट है ना, यहाँ से पूरा ही नीचे का गाउन, ये तो पूरा सिला हुआ है, आप देख सकते हो। पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ, ये ऐसा है कि पूरा एक नेट का कपड़ा है और उस पर ये वाला थ्रेड का प्रिंट है। ऐसे मैंने काफ़ी सारे लहंगे भी मंगवाए थे मीशो से पहले। कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कपड़ा ओकेश लग रहा है ₹500 के हिसाब से। एंड इसकी एक बात है, इसकी चोली ये सेमी स्टिच है, मतलब आपको यहाँ से पूरा अलग करवाना पड़ेगा और आपको ये चोली अपने अकॉर्डिंग सिलवानी है। आप पीछे देखो, ये नेक बना हुआ है इसका, यहाँ पे ये है इसका नेक और इधर भी इसका ये नेक है। तो ये फ्रंट है, ये बैक है और ये जो इसकी स्लीव्स दी हुई हैं, देखो दो इसकी स्लीव्स दी हुई हैं। स्लीव्स भी पूरा ऐसे धागे का पूरा वर्क हुआ हुआ है, ठीक है। नीचे पूरी पूरी फुल स्लीव्स है और पूरी स्लीव्स में आपको वर्क मिलेगा, ये दो स्लीव्स हैं। ये तो लुलवा हो गया मेरे साथ। आई थॉट कि सिला हुआ होगा, मैं पहनूंगी। और ये इसकी चुन्नी है, चुन्नी में भी आपको पूरा बॉर्डर पे वर्क मिलेगा, ऐसे बीच बीच में बूटियाँ ऐसी भी बनी हुई है वर्क की। और काफ़ी छोटी चुन्नी है, बहुत लंबी चुन्नी नहीं है, कम से कम 2 मीटर की शायद ये चुन्नी होगी। गाउन के साथ तो वैसे कौन ही चुन्नी लेता है, लेकिन अगर काफ़ी लोग को चाहिए होता है कि नहीं गाउन के साथ, गाउन ही गाउन के साथ कुछ हो सर वर ढकने के लिए, तो आप इसको मतलब सर ढकने के लिए ये ईजिली यूज़ हो जाएगी। पता नहीं क्यों आज मैं इतना फंबल कर रही हूँ, शायद आधी रात को शूट कर रही हूँ ना, नींद आ रही है तो ज़्यादा फंबल कर रही हूँ मैं। ये देखो कुछ ऐसे, मतलब मैं अगर रेट के अकॉर्डिंग बोलूँ आपको, अगर आपको ये गाउन मिल रहा है ना 500-550 रुपये का, थम्स अप है, मुझे काफ़ी सही लग रहा है। बहुत अपनी बॉडी वाला फिट का इसको स्ट्रेच करवा के नीचे से घेर वाला बना के बहुत सही गाउन आपको मिल रहा है 500-550 रुपये में, थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज, हमारा जो नेक्स्ट गाउन है वो है ये 598, मतलब 600 रुपये का ये गाउन है, एम साइज़ का मैंने मंगवाया। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे लेकिन मैंने चूज़ करा है पिकॉक ब्लू कलर, और देखते हैं कैसा आता है। अरे ये तो बहुत अलग लग रहा है, सेम ही है। तो ये वो गाउन है, इसकी चोली वाले पार्ट में एक अलग सा मटेरियल लगा हुआ है जिसमें ऐसे आप देख सकते हो वेलवेट की पतली पतली सी लेस लगी है, फुल स्लीव्स है ये। स्लीव्स में कोई अस्तर नहीं मिलेगा आपको, फ्रंट चोली में अस्तर मिल जाएगा। और वो भी अस्तर आपको कैसा मिलेगा आपको मैं एक्सप्लेन करूँ तो, यहाँ से इतना पार्ट, शोल्डर से इतना पार्ट आपका थोड़ा सी थ्रू होगा, फिर आगे आपको अस्तर लगा हुआ मिलेगा। सेम ऐसे ही आप बैक में भी देखो तो आपको इतना पार्ट पहले सी थ्रू मिलेगा, मतलब ये 4 इंच का सी थ्रू है गला, फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे अस्तर लगा हुआ है। तो वो थोड़ा ऐसा आएगा कि ऊपर थोड़ा नेट है फिर अस्तर लगा हुआ है, ऐसा सा लुक आएगा। और फ्रंट आप इसका देखो नीचे से तो जो ये ए शेप में है, काफ़ी अच्छा घेर है इसमें 600 रुपये के हिसाब से। एंड ऐसे बीच में एक और ऐसे लेयर वाला सीन दे दिया है कि आपको लगे कि हाँ ये लेयर वाला गाउन है, ठीक लग रहा है मुझे। बाकी मैं आपको वेयर करके अच्छे से बताती हूँ गाइस। 600 रुपीज़ के हिसाब से दिस इज़ लुकिंग सो नाइस। बस ये थोड़ा लूज़ है ना तो फिट में उतना अच्छा नहीं आ रहा, जब ये बिल्कुल फिटेड होगा ना, लाइक इसकी स्लीव्स पूरे फिटेड होंगी, यहाँ से पूरा फिटेड होगा, ये बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहते हो अगर आपको चोली लंबी लग रही तो आप चोली भी छोटी करा के इसको थोड़ा और ऊपर भी करा सकते हो। वैसे आप इसका एक बार ओवरऑल लुक देखो, नीचे से जो ये इसकी कटिंग वाला लुक दिया है और मतलब जो ये इसका ए शेप आ रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बैक से भी आप देख सकते हो अस्तर लगा हुआ है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। और जो इसका ये वाला ऊपर का नेक पे पैटर्न है ना, आप इसको जूम में देखो एक बार कि किस तरीके का इस लेस वाला वर्क है, यहाँ तक पूरा अस्तर लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा सी थ्रू वाला है जो मतलब विजिबल भी बहुत कम ही होगा, ये ऐसा लग रहा है। मुझे रेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह के फुल गाउन 600 रुपीज़ का, मतलब स्टाइलिश भी ये लग रहे हैं तो मुझे काफ़ी सही लग रहा है। तो मेरी तरफ से तो इसके लिए थम्स अप है। तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट है हमारा प्रिटी रेट्रो वुमेन गाउन,
567 रुपीज़ का है, वो भी ऑलमोस्ट 550-600 रुपये के बीच के ये गाउन है। इसमें भी 4-5 कलर के ऑप्शंस थे। मैंने ये रेड वाला कलर मंगवाया, पता नहीं क्यों मैंने रेड कलर मंगवाया और साइज़ मैंने एम मंगवाया है। लेट्स सी कैसा आता है। ओ ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। इसकी जो गाइस ये चोली है वो तो रेड मरून कलर की है और नीचे का कपड़ा थोड़ा अलग है, मतलब जो कपड़ा इसमें यूज़ हुआ है ना ज़्यादा फाइन लग रहा है एज़ कम्पेयर टू इस वाले का कपड़ा। इसका कपड़ा थोड़ा ऐसा सा है, आपको साउंड सुनाई दे रही होगी, इस वाले का उतना तो नहीं लग रहा है। इसमें नीचे अस्तर तो दिया हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मटेरियल क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा चीप कर दिया है। मतलब ये तो फिर भी थोड़ा प्यारा सा लग रहा है, ये बिल्कुल मुझे उस इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप इसकी स्लीव्स देख सकते हो, सेम वही वाला कपड़ा यूज़ करके ये वाली फ्रिल्स का पैटर्न दिया है स्लीव में, सिंपल राउंड नेक है। बाकी मैं पहन के बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है या ओकेश है, देख सकते हो आप। चलो वेयर करके आती हूँ। गाइज मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, क्या पता मैंने कलर ये चूज़ करा है इस वजह से ये समझ नहीं आ रहा है या फिर ये है ही नहीं अच्छा। पहली बात तो ये बहुत ऊंचा है, आप देखो मुझे इतना फनी लग रहा है इसका ऊंचा होने के चक्कर से। और फिर बात की जाए इसकी चोली की, तो आप ज़रा चोली में ये वाला पैटर्न ना मुझे काफ़ी ज़्यादा चीप लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। स्लीव्स का डिज़ाइन अच्छा देने की कोशिश की है, डिज़ाइन अच्छा, लेकिन मुझे ना ये ऑल ओवर पसंद ही नहीं आ रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ कलर और बिकॉज ऑफ लेंथ मटेरियल, तो मैं बहुत डाइसी हूँ इसके लिए और समझ नहीं आ रहा है। 600 रुपये के हिसाब से मतलब इससे पहले जो हमने ब्लू देख लिया वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। तो मे बी ब्ला 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 रीजंस, नो फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट दिखाती हूँ गाइज, जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी है स्टाइलिश रेट्रो फैंसी वुमेन गाउन, 413 रुपीज़ का, मतलब 400 रुपये का गाउन है, एम साइज़ का मैंने मंगवाया। अब मैं सोच के थोड़ा मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या सोच के ये वाला कॉम्बिनेशन मंगवाया, शायद मुझे पिक्चर में सही लग रहा था मैंने इसलिए मंगवाया। अब आई डोंट नो रियलिटी में क्या आने वाला है। इसमें भी 4-5 ऑप्शन थे, अगर मैं ब्लैक पे जाती आई गेस वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लैक तो हमेशा अच्छा लगता ही है। शायद मैंने इसलिए मंगवाया होगा कि ट्राई करना चाहिए कि अलग अलग कलर्स के साथ ये कॉम्बो कैसा लगे, क्योंकि सबकी चोली ऊपर से ग्रे है, बॉटम में अलग नेट का मटेरियल यूज़ हुआ हुआ था। पिक्चर में तो काफ़ी घेर दिखा रहे हैं, देखते हैं रियलिटी में कैसा आएगा। मतलब आई पर्सनली डोंट लाइक दिस शेड ऑफ पिंक, उसमें वो पीच शेड था लेकिन इन्होंने तो मेरे साथ स्कैम कर दिया। नो मैं इसको ट्राई भी नहीं करूँगी। वाई ओहो, आप देख सकते हो इसमें ये कितनी छोटी सी स्लीव्स दी हुई है और ऊपर यही वाला मटेरियल है जैसा इसमें रेड यूज़ हुआ हुआ है, सेम ये ग्रे यूज़ है। और यहाँ पे कि इन्होंने ब्रो मुझे हो क्या रहा है, बो बांध के ऐसी स्ट्रिंग्स ही लटकाई हुई हैं दो, और नीचे भी वो ग्रे कलर का मटेरियल यूज़ किया हुआ है। बाकी पिक्चर में पीच दिखाया था यार, ये तो अलग सा लाइक नियॉन पिंक टाइप का कलर आ गया, ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। और आई डोंट नो ये पहन के कैसा लगेगा, मेरा पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि मुझे ये कलर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। लेकिन काफ़ी सब लोग बोलते हैं कि जो आपको अच्छा नहीं लगता पहन के क्यों नहीं दिखाते हो, पहना तो करो हमें आइडिया लग जाएगा, क्या पता हमें अच्छा लगे आपको ना अच्छा लगे। जस्ट बिकॉज ऑफ वो रीज़न मैं इसको पहन के आ रही हूँ और आपको लुक दिखाती हूँ। गाइज बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा है इसका मटेरियल, मतलब कलर पैटर्न फिट मटेरियल तो मैं बाद की बात करूँगी, इतना ज़्यादा चुभ रहा है कि मुझे लग रहा है मेरी अंडर आर्म्स छिल जाएंगी। इन्होंने ऊपर वाले इस कपड़े में ऐसा लग रहा है अस्तर ही नहीं लगा है, मुझे हर तरफ से कांटों की जैसे चुभ रहा है। तो मेरे लिए तो अब बिग नो, मैं पहले ही बोल देती हूँ, आप किसी भी कलर पे तो मत ही जाना, मुझे पर्सनली तो ये कलर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आप इसका पूरा ऊपर से नीचे तक का लुक देख सकते हो, इतना ज़्यादा चुभ रहा है मैं क्या बताऊँ। इसमें घेर कैसा सा है आप देख सकते हो, नीचे वाला अस्तर तो बिल्कुल ऐसा सा है, ज़्यादा चौड़ा नहीं है। ऊपर इसके ऊपर जो नेट गिरी हुई है ये भी बहुत मुसमुसी सी अभी हुई हुई है, तो इतना ही ज़्यादा आपको इसमें घेर मिलेगा। ये इसका कलर कॉम्बो है, काफ़ी सारे इसमें कलर ऑप्शन है, लेकिन अगर ये इतना चुभेगा तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल ही नहीं है ना इसको पहनना। तो बाकी सारी बातें तो बाद में आती हैं, लुक वगैरह, जब पहनने में ही कम्फर्टेबल नहीं है तो
नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइज नेक्स्ट जो हमारा गाउन है वो है ये, इसका कुछ ऐसा पर्टिकुलर नाम नहीं है, 562 रुपीज़ का ये है, मैंने एम साइज़ का मंगवाया, लेट्स सी कैसा आता है। मतलब मैं इसके अभी ऊपर से जज नहीं कर पा रही हूँ कि ये यही गाउन है, मतलब मैं कन्फ्यूज़ हो रही थी कि कोई और गाउन तो नहीं है, मैं कलर मैच कर रही थी कि मैंने इस कलर का यही मंगवाया है। ये कुछ आया है, शायद बेल्ट है, ये एक चुन्नी है, एंड दिस इज द गाउन। ओके सो ये गाउन है, इसमें ये ऊपर नेक पे बस ये हल्का सा पेस्टिंग वाला स्टोन वर्क हुआ हुआ है, आप देख सकते हो। और ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स में भी आपको वही वाला सेम गोल्डन स्टोन की पेस्टिंग वाला वर्क मिल जाएगा। और घेर भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा घेर नहीं है, और नीचे जॉर्जेट मटेरियल है इसका, और नीचे आपको मिल जाएगा अस्तर लगा हुआ, अस्तर का मटेरियल भी उतना ज़्यादा खास नहीं है, ओकेश अस्तर है, काम चला हुआ वाला। मैं वियर करके आपको उसका लुक बताती हूँ कि जैसा पिक्चर में दिखाया था वैसा तो नहीं है, उसका फर्स्ट कॉपी है ये, बाकी मैं सेम लुक बनाने की कोशिश करके आपको पूरा लुक दिखाती हूँ इसका। गाइज मैं पहले तो ये बोलूँगी, जो पिक्चर में दिखाया था उसका ये पूरा फर्स्ट कॉपी है, और बहुत प्रॉपर भी कॉपी नहीं किया गया। अगर आप पिक्चर में ध्यान से देखो तो यहाँ से ना लाइक बहुत सारा क्लोथ अटैच था, वो नीचे भी फॉल कर रहा था और वो आकर ऐसे भी लग रहा था। तो ये तो सिर्फ चुन्नी थी, मैंने इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके पहना है, और उस चुन्नी को यहाँ पे वही सेम लुक देने के लिए जो बेल्ट है ना इसमें मैंने ऐसे टक कर लिया था कि थोड़ा ना देखने में वैसा सा गाउन वाला ये फील दे कि हाँ मैंने कुछ डिज़ाइनर और स्टाइलिश पीस पहना है, ऐसा सा ये लगे। आप देख सकते हो स्लीव्स भी इसके भी काफ़ी लूज है, फिटिंग की वजह से भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ ना आ रहा हो, आपको मैं बैक से भी दिखा देती हूँ। वो जो बेल्ट मिली थी उसको मैंने पूरा ऐसे बांधा है, बाकी बचा हुआ पीछे ये चुन्नी का कपड़ा है, आप उसको छोटा बड़ा जितना लेना चाहो उतना ले सकते हो। लेंथ भी इसकी ओके है, आप सब मेरी हाइट पूछते हो, मेरी हाइट 5'3" है, तो 5'3" के अकॉर्डिंग ये इसकी लेंथ आ रही है। आप देखो मैंने कोई हील वगैरह नहीं पहनी है, तो ये इसकी लेंथ है, इतना इसका घेर है, मतलब ए शेप का ही है ये। मैं थोड़ी डाइसी हूँ, मैं मतलब ओकेश है, मटेरियल ठीक है, पहनने के बाद लुक भी वही आ रहा है काइंड ऑफ, और आपको 400-450 रुपए के अकॉर्डिंग आपको ये मिल रहा है, तो मुझे ठीक भी लग रहा है। बाकी इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसको और कैसे से अच्छे से डिज़ाइन करके स्टाइल करके पहन सकते हो। लाइक मेरे लिए इसके रिव्यू भी 50-50 हैं, तो इट्स योर चॉइस। बाकी मैं आपको पूरा पहन के दिखा चुकी हूँ, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइज नेक्स्ट जो हमारा गाउन है वो ग्रीन कलर का, उसका स्टाइल भी काइंड ऑफ सेम स्टाइल, अगर आप पिक्चर में देखो वही एक क्लोथ आ रहा है, बेल्ट आ रही है, और 557 रुपीज़ का था, और मैंने एम साइज़ मंगवाया है वही 550 के अराउंड का। सेम ही पैटर्न है बिल्कुल, चुन्नी मिली है मुझे एग्जैक्ट सेम, वही गोल्डन वाला राइनस्टोन टाइप का वर्क पेस्ट हुआ हुआ है, ये इसकी बेल्ट है। इसमें तो पूरे नेक पे था, स्लीव्स में था, इसमें बस ये आगे इस एरिया में फ्लावर पैटर्न है, और स्लीव्स बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सेम गाउन है, एग्जैक्टली सेम गाउन है, मटेरियल भी बिल्कुल सेम है, बल्कि इसका जो अस्तर है और इसका जो अस्तर है बिल्कुल ही सेम है, बिल्कुल सेम, मतलब मैं क्या ही इसको वियर करके दिखाऊँ, मतलब एग्जैक्टली सेम लग रहा है जो मैंने पहना है, ना ही उसमें ये पहले से अटैच है, क्या नाम है, चुन्नी, और ना ही कुछ भी, मतलब जैसा मैंने अभी ये लुक दे के पहना है सेम मैं इसको पहनूंगी, बस कलर डिफरेंस हो जाएगा कि हाँ मैंने पहले ये पहना था उसके बाद मैंने ग्रीन कलर पहन लिया। अच्छा हुआ मैंने ये भी ऑर्डर कर दिया, इसमें एटलीस्ट आप लोग को ये पता तो चल गया कि जैसा दिखाया है यहाँ से इतना सारा क्लोथ अटैच, ऐसे घुमेर कुछ भी नहीं है, वो अलग से चुन्नी पकड़ा देंगे, और चुन्नी में भी इतनी लेंथ नहीं है कि आप उतना ज़्यादा फ्रिल वाला पैटर्न, पूरा ऐसे भरा हुआ कपड़े का पैटर्न और उतना कुछ दिखा पाओ। तो इसको मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल ही सेम है, जो रिव्यूज़ मेरे इसके लिए हैं वो रिव्यूज़ मेरे इसके लिए भी रहेंगे, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइज नेक्स्ट जो हमारा गाउन है वो है ये, मैं बहुत डाइसी पहले से ही थी कि ये क्या ही आएगा, आप देखो ज़रा इसमें क्या दिखाया है, और ये सिर्फ 600 रुपीज़ का दिखा रखा है एम साइज़ का, तो मेरा तो मन था कि मुझे ट्राई करना है कि पता नहीं क्या आएगा, इसलिए मैं ये ट्राई कर रही हूँ। ओ माय गॉड कुछ ज़्यादा ही लिशिक ब्लू है, ओ गॉड
ओह गॉड गाइस, ये इसकी चुन्नी है नेट की, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है। एंड आपको एक ऐसी बेल्ट भी दी जाती है। अब बात की जाए इस सूट की, गर्मी में तो बाबा ये कोई पहन ही नहीं सकता है। ओह माय गॉड, घेर तो काफ़ी ज़्यादा है। ऊपर ये मटेरियल यूज़ है, पता नहीं ये कैसा लगेगा गाइस, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। 600 रुपीस के हिसाब से क्या है, मैं वियर करके आती हूँ फिर ही कुछ बताती हूँ। गाइस ये क्यों ही बनाया है, जैसे ही मैं इसको पहन के आई रूम से बाहर, मेरा भाई कहता दिहातन, और मैं इतनी तेज हंसे जा रही हूँ ना कि क्यों इसको बनाया है। ये बहुत बुरा लग रहा है मुझे खुद को इसको पहन के आपको दिखाने में, लिटरली इतनी शर्म आ रही है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। एक बार आप देखो ये लग क्या रहा है जी, इतनी लंबी चोली, इतना गवार, डेफिनेटली आप बिग नो फ्रॉम माय साइड, मुझे इसमें कोई कमेंट्स नहीं देना। आप इसको खुद ही देख सकते हो, बहुत बुरा लग रहा है, मैं चेंज करके आ रही हूँ। गाइज मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ, वो है 583 रुपीस का, ये एम साइज़ का, काफ़ी ढंग का तो लग रहा है देखने में, लेट्स सी क्या आता है। इसको पहन के तो मतलब मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। ये थोड़ा ठीक लग रहा है, इसके प्रिंट थोड़े अलग से हैं। ओके ये काफ़ी सही लग रहा है, वी नेक है, काफ़ी डिफरेंट इसके प्रिंट हैं, और ऐसे बांधने के लिए आगे दो कुछ ये दिए हुए हैं, घेर भी काफ़ी अच्छा खासा है, जैसा दिखाया था वैसा ही लग रहा है। बाकी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। गाइस बस प्रिंट थोड़ा डिफरेंट है, पिक्चर में बहुत ज़्यादा भरा हुआ प्रिंट है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंट थोड़े कम है इसमें। वी नेक है यहाँ पे, वो जो दो ऐसे स्ट्रैप्स दिए हुए थे ना वो मैंने बांध दिए हैं, तो थोड़ा टाइट फिटेड वाला पूरा उससे लुक आ गया। आप उससे पूरी फिटिंग दे सकते हो, और आप देख सकते हो उसका पूरा लुक ठीक लग रहा है, घेर ठीक लग रहा है मुझे रेट के अकॉर्डिंग। मटेरियल भी बहुत प्यारा सा सॉफ्ट है, बिल्कुल भी नहीं चुभ रहा है। फुल स्लीव्स है, बैक से आप देख सकते हो कुछ ऐसा लग रहा है, मतलब जो मैं अभी ट्राई कर रही थी उसके अकॉर्डिंग ये इसको आप गाउन ड्रेस काइंड ऑफ लॉन्ग ड्रेस भी इसको बोल सकते हो, काफ़ी सही लग रही है मुझे। प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग जो इसका लुक आ रहा है, स्टाइल आ रहा है, थम्स अप, मुझे तो अच्छी लगी। सॉरी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस जो हमारा नेक्स्ट गाउन है वो है ये, सिर्फ 300 रुपये का है। इसको मैंने स्मॉल साइज़ का मंगवाया है, इसमें चार कलर के ऑप्शन है, मैंने ये फिरोजी कलर मंगवाया है, लेट्स सी कैसा आता है। बहुत प्लेन सिंपल था मैंने कुछ लाइट वेट भी मंगवा के देखूँ कैसा सा आता है। जैसा पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्टली वैसा सा ही लग रहा है। ये काइंड ऑफ श्रग टाइप का पैटर्न है ऊपर, जिसमें ऐसे कटआउट हो रखा है फ्लावर बीच बीच में। मटेरियल बहुत हल्का है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत लाइट वेट है, जैसा पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्टली सेम वैसा ही आया है। मैंने स्मॉल साइज़ का मंगवाया है, मैं वियर करके दिखाती हूँ। ये है तो स्लीवलेस, स्लीवलेस के ऊपर भी ये ऐसा पड़ा रहेगा, तो आपको उस चीज़ की टेंशन नहीं होगी। और इसमें कोई भी स्लीव्स अंदर अटैच नहीं है, क्योंकि इसका लुक ही पूरा ऐसा आएगा। चलो मैं इसको वियर करके बताती हूँ 300 रुपये के हिसाब से ये गाउन कैसा लग रहा है। गाइज ये ऐसा लग रहा है, इसको पहनते मुझे एकदम से वो नन वाली फीलिंग आने लगी कि मैं नन हूँ। आप इसका पहले ये पैटर्न देखो, ऐसे करके पूरा दिखेगा कि ये पूरा एक श्रग काइंड ऑफ, ये पूरा अटैच्ड है, ये कटआउट है, जैसा पिक्चर में था एग्जैक्टली सेम वैसा ही है। बस मुझे जो एक ड्रॉबैक लगा कि ना इसकी लेंथ छोटी है, पैरों में आप देख सकते हो लेंथ छोटी है, और पता नहीं क्यों ये अभी ये मटेरियल मेरे चिपक रहा है। आप देख सकते हो पूरे कैसे मेरे बॉडी से ये मटेरियल चिपक जा रहा है, जैसे चार्ज हो रखा हो अभी कुछ मेरी बॉडी में, तो बस वो लग रहा है मुझे। लेंथ थोड़ी छोटी है, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है इजीली आप इसको वन पीस की तरह पहन के आप बीच वगैरह पे भी जा सकते हो। बहुत फ्लोई है, बहुत लाइट वेट है, बस थोड़ी लॉन्ग होती तो ठीक लगी, क्योंकि 300 रुपीज़ के हिसाब से आपको ये प्यारा सा वन पीस मिल रहा है, तो मुझे तो ठीक लगा 300 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। बाकी लेंथ वेंथ की थोड़ी दिक्कत है, अगर आप इसको एज अ फ्रॉक सैंडल वैंडल के साथ पहनो तो ठीक है, बाकी आपको मैं नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइस इतनी नींद आ रही है ना, बस क्या बताऊँ। जो नेक्स्ट गाउन है ना हमारा, वो है अनारकली गाउन, जिसकी मैं बात करी थी कुछ आर्टिकल्स के आगे गाउन भी लिखा है, अनारकली भी लिखा है। इसमें इतने सारे कलर ऑप्शंस थे, मैंने ये पर्पल मंगवाया है, 475 रुपीज़ का था, एम साइज़ का मैंने इसको मंगवाया है। चलो देखते हैं कैसा आया है, ये सेकेंड लास्ट है, इसको पहनना है या फिर लास्ट पहनना है, देन टाटा बाय बाय करके मैं सोऊंगी। मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, फीवरिश फील हो रहा है मेरे को। हम्म
गाइस ये है गाउन, सेम ये राउंड पैटर्न इसमें दिया हुआ है, पूरा ये थ्रेड वर्क हुआ हुआ है। आप ध्यान से देखो तो जो इसकी स्लीव्स हैं इस पे भी यहाँ आगे पहले ऐसे थ्रेड वर्क दिया हुआ है, फिर आगे थोड़ी सी फ्रिल दे दी है थोड़ा सा डिज़ाइनर पैटर्न बनाने के लिए। और बात की जाए इसकी नीचे की, तो पिक्चर में जो दिखा रखा है उसमें नीचे ऐसा मोतियों वाला वर्क नहीं है, लेकिन इसमें फ्रंट में मोतियों वाला थोड़ा सा वर्क दिया हुआ है, बैक में नहीं है, फ्रंट फ्रंट में है। ए शेप का ये गाउन है, रेट के अकॉर्डिंग तो मुझे ठीक लग रहा है, बाकी मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। गाइस 475 रुपीज़ के हिसाब से ये गाउन तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, लाइक इसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। आप इसका सबसे पहले तो ये नेक देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये राउंड शेप में। इसकी जो ये स्लीव्स में ये जो पैटर्न है, ये थोड़ा सा इन्होंने फ्रिल जो दिया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो ये ए शेप का गाउन है, नीचे ये मोतियों वाला इसमें प्रिंट दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे अकॉर्डिंग टू द प्राइस। आप बाकी पूरा इसका लुक देख सकते हो, कलर कॉम्बो की वजह से भी हो सकता है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा हो, मतलब जो मैंने अब तक गाउन पहने हैं इसमें काफ़ी मुझे ठीक लग रहे हैं, और काफ़ी आपको पता ही कैसा रहा है मेरा उनका एक्सपीरियंस, लेकिन उसके अकॉर्डिंग ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो इस गाउन को तो मैं थम्स अप दूंगी, क्योंकि पहनने में कंफर्टेबल है, मुझे कहीं से चुभ नहीं रहा है, मटेरियल भी ठीक है और लुक भी काफ़ी सही लग रहा है, तो डेफिनेटली थम्स अप फॉर दिस वन। तो चलो फाइनली अब मैं आपको लास्ट गाउन दिखाती हूँ इस वीडियो का, आई एम सो टायर्ड ट्रस्ट मी। वाइट कोटी येलो गाउन 504 रुपये का ये है, एम साइज का मैंने मंगवाया है। भगवान मत दो, लास्ट गाउन गाइस, अच्छा हुआ लास्ट में ही मैंने खोला। ये बहुत ही बेसिक कॉटन टाइप का गाउन है और बहुत सॉफ्ट इसका मटेरियल है, 38 mm साइज़ का इन्होंने मुझे दिया है। ये देख सकते हो ये स्लीवलेस है, मतलब ये अंदर पहना जाएगा और घेर भी काफ़ी ज़्यादा सही है, ये मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, गर्मी में मटेरियल पहनने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इसके ऊपर ये वाइट एंड ऑरेंज इन येलो कलर की ये कोटी है, इसमें कॉलर है, इसकी ये पफ्ड स्लीव्स हैं और आगे से ये डोरी दी हुई है, एक सिंगल डोरी, हाँ एक सिंगल डोरी है, ऊपर से इसको बांध के लुक देने के लिए। ये बहुत ही बेसिक गाउन है और इसको मैं वेयर करके आती हूँ। गाइस 500 रुपये के हिसाब से ये क्यूट तो लग रहा है, मुझे नींद के झटके आ रहे हैं क्या, ये क्यूट तो लग रहा है, लेकिन मटेरियल ना बहुत ज़्यादा सी थ्रू है, तो मतलब अगर ये 300 रुपये का होता तो ये मटेरियल चलता, 500 रुपये के हिसाब से मटेरियल अच्छा हो सकता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सी थ्रू मटेरियल है। अभी मुझे लग रहा है क्या पता वॉश के बाद थोड़ा गफ हो जाए या फिर और ज़्यादा सी थ्रू हो जाए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे ये क्यूट लग रहा है, सॉफ्ट मटेरियल है, जैसा पैटर्न जैसा पिक्चर में दिखाया था वैसा सही लग रहा है। चोली बहुत क्यूट है, देख सकते हो, मैंने कहा था पफी स्लीव्स हैं इसके, ये ऐसे ऑरेंज और येलो वाला इनका पैटर्न है, स्लीवलेस है अंदर वाला चीज़ और ऊपर ये यहाँ पे डोरी, लग तो क्यूट रहा है लेकिन मैं मटेरियल को लेके थोड़ा डाइसी हुई, बहुत ज़्यादा सी थ्रू लग रहा है और है भी 500 रुपये का, मतलब मीशो में 500 रुपये के हिसाब से आपको चीज़ अच्छी मिल सकती है, तो इसलिए मैं थोड़ी डाइसी हूँ। बाकी अगर आपको 500 रुपये के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छा लग रहा है तो आप ले सकते हो, उसमें और कोई बुराई नहीं है। दैट्स ऑल, दैट्स इट, यही था मेरा रिव्यू और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ गाइस कमेंट कर दिया करो अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, मेहनत लगती है तो मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, थोड़ा मोटिवेटेड फील करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी चॉइसेस से थोड़ा बहुत लाइक हम इंगेज कर पा रहे हैं एक दूसरे से, आपको मेरी चॉइसेस पसंद आ रही हैं, प्लीज़ जाकर कमेंट ज़रूर कर देना। ओके बाकी थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और मेरी चकड़ चकड़ झेलने के लिए भी, और मिलती हूँ मैं बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं सोऊंगी। बाय बाय गाइज, आई लव यू।